तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि क्या होता है ट्विटर अकाउंट, किस तरह से ट्विटर अकाउंट को यूज़ करना है, क्रिएट करना है उसका अकाउंट, और हमारा जो इससे पहले जो वीडियो था वो सेटिंग्स के बारे में वहाँ चल रहा है ये वीडियो। तो हमने पिछली सेटिंग्स में सीखा था कि SMS नोटिफिकेशन क्या होता है यहाँ पर, तो SMS नोटिफिकेशन को किस तरह से यूज़ करना है। तो पार्ट 5 में आपने देखा होगा आपने कि किस तरह से हमें नोटिफिकेशन को यूज़ करना होता है यहाँ पर। तो बेसिकली जो ट्विटर अकाउंट होता है यहाँ पर हमारा नोटिफाई करता है हमें। तो हमारे कुछ सेटिंग्स रह गई थी यहाँ पर, तो आज हम इस नोटिफिकेशन को यहाँ पर हम पूरा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर SMS नोटिफिकेशन जैसे पूरा होता है तो और भी हम नई सेटिंग्स देखेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली आपको जो पहली वीडियो देखनी होगी और दूसरी और तीसरी भी वीडियो है, क्योंकि उसके अंदर मैं बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स बता दिए। यहाँ पर ट्विटर अकाउंट को समझना है तो आप पार्ट वाइज वीडियो देखना होगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लाइक्स लाइक्स क्या होते हैं कि जो भी आपके ऊपर पेज के ऊपर आपने मान लो कि ये फोटो आपने कोई भी एंटर की है। मैंने आपको बताया था कि ट्विटर के अंदर फोटो कैसे कैसे ऐड करनी है। तो बेसिकली सिंपल आपको होम मेनू पर आना है और यहाँ पर आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है। ये आपकी फ़ोटो हो गई यहाँ पर, तो एक और यहाँ पर मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मान लो कि मैं ट्वीट किया, इसके ऊपर मैं कुछ लिखा नहीं है अभी, तो ये ट्वीट किया मतलब ये मैंने फ़ोटो एंटर कर ली, अपलोड कर ली मैंने। ओके, तो बेसिकली ये होती है ट्वीट कर करना। अब यहाँ पर चार चीज़ें हैं। पहले दो ही चीज़ें थी यहाँ पर, एक तो फर्स्ट यहाँ पर मैसेज करना और एक लाइक करना था यहाँ पर, लेकिन तीन चीज़ ऐड हो गई यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर कि एक और यहाँ पर एंटर फंक्शन, तो ये क्या करता है यहाँ पर, आपको मेन और शो करेगा। तो सेंड डायरेक्ट मैसेज करना है आपको, तो ये मैंने जो एंटर किया है वो डायरेक्टली मुझे मैसेज भेजेगा, या तो फिर ट्वीट टू बुक मार्क्स के अंदर एंटर कर लेगा, या तो कॉपी लिंक कर सकते हो यहाँ पर। तो ये कॉपी लिंक हो जाएगा यहाँ पर, ये मेरा एड्रेस है यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो है हमारा ट्विटर अकाउंट, ये यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपने ये एंटर किया है तो ये सेटिंग्स का क्या काम होता है कि जितने भी लोगों ने मेरे लाइक किए हैं, उनको पेज अच्छा लगा तो उनको उन्होंने लाइक किया, तो उन्होंने मैसेज भेजा, तो ये लाइक कितनी हुई, कितने यहाँ पर कंप्लीटली आप उनको अच्छा लगा, तो ये डायरेक्टली आपके मोबाइल के मैसेज के ऊपर भेजेगा। तो आप उसको ऑफ करना है, तो मैंने अभी तो ऑफ करके रखा है। मैं नहीं चाहता कि अपना मोबाइल के अंदर ये जो है ज़्यादातर आते हैं यहाँ पर मैसेज, उसको मैं ऑन करके रखूँ तो अलग अलग ज़्यादातर मैसेज आते जाएंगे। लेकिन फ्रॉम एनी वन मतलब हर कोई की मैसेज जो होते हैं यहाँ पर आएंगे यहाँ पर। तो अभी तो मैं टायलर फॉर यू रख सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन अभी तो मैं ऑफ ही रखूँगा लाइक्स के लिए। यहाँ पर मेंशन इन रिप्लाईज, तो आपने जो लिखा है यहाँ पर, तो आपको किसी ने रिप्लाई भेजा यहाँ पर, इसका रिप्लाई आपने भेजा यहाँ पर, तो इसका रिप्लाई आप दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो जो रिप्लाई आपको भेजता है यहाँ पर, जो भी आपको रिप्लाई भेजता है कुछ पोस्ट के ऊपर, तो वो रिप्लाई किस तरह की होती है यहाँ पर, कि एक होता है डायरेक्ट होता है यहाँ पर, और एक दूसरा होता है यहाँ पर GIF वगैरह यहाँ पर सिस्टम होती है यहाँ पर। तो उस रिप्लाई को किस तरह से आपको हैंडल करना है यहाँ पर, दे सकते हो कि रिप्लाई में कर रहा हूँ। ओके, तो आप किसी को भी यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर और भी आपको मिलेंगे यहाँ पर, जो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे इसको रिप्लाई भेजना है। ओके, ओके, इस तरह से होता है यहाँ पर। ओके, तो इसको रिप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली आप आज तक इंडिया टुडे ने ओके, तो ये जो होता है यहाँ पर, ये ट्वीट होता है यहाँ पर और रिप्लाई होता है यहाँ पर। तो रिप्लाई जो होता है यहाँ पर, कोई भी आपको रिप्लाई करता है तो डायरेक्टली आपके मोबाइल के मैसेज पर आए, तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। अगर कोई न्यू फॉलोवर होता है यहाँ पर, कोई न्यू फॉलो करता है आपको, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैसेज आएगा मोबाइल के ऊपर, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं यही रखूँगा न्यू फॉलोवर, मेंशन एंड रिप्लेस को मैंने आपको कह दिया यहाँ पर, तो मैंने अभी तो ऑफ करके रखा है, मुझे किसी को रिप्लाई देखना है अभी। रिट्वीट क्या होता है यहाँ पर, कि मैंने आपको कहा था कि मुझे इसको रिप्लाई भेजना है। ओके, तो ये ट्वीट हुआ। ओके,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसे मैं रीट्वीट करूँ, यहाँ पर उनकी जगह पर मैं अपना भी ट्वीट एंटर करूँ, तो ये रीट्वीट होता है यहाँ पर। ओके, तो रीट्वीट क्या होता है कि रीट्वीट विथ कमेंट, तो इसके साथ मुझे रीट्वीट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने जो ये बातें की है, क्या आप उसके साथ है या नहीं, तो इसको रीट्वीट कहते हैं यहाँ पर। ओके, लेकिन आप चाहते हो कि कुछ कमेंट भी आप एंटर करो, तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो रीट्वीट के साथ। ओके, तो ये चीज़ होती है यहाँ पर, तो ये रीट्वीट होता है यहाँ पर। बेसिकली आप यहाँ पर और भी देख सकते हो कि फ्रॉम ट्विटर, अब ये ट्विटर अकाउंट से बता रहे हैं यहाँ पर, तो ट्विटर अकाउंट है, तो ट्विटर अकाउंट जो होता है, ट्विटर वेबसाइट है, कंपनी है, उनकी तरफ से, तो न्यूज़ के लिए आपको मैसेज, पॉपुलर इन नेटवर्क, आपके नेटवर्क के साथ कौन एंटर होता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्रिसिस एंड इमरजेंसी अलर्ट्स वो भी बता रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये SMS में यहाँ पर नोटिफिकेशन है। कंटेंट प्रेफरेंस क्या होता है यहाँ पर? कंटेंट प्रेफरेंस का मतलब होता है कि ऐसा प्रेफरेंस, ऐसा सिस्टम कि एक जगह से दूसरी जगह से आप सेटिंग सेट कर सकते हैं यहाँ पर, तो जो आपके कंटेंट होता है यहाँ पर, किस तरह के कंटेंट आते हैं, किस तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम जो होती है यहाँ पर, कुछ ऐसे कंटेंट आप ऐड नहीं कर सकते, ऐसे वीडियो ऐड नहीं कर सकते ट्विटर की अकाउंट की पॉलिसी के खिलाफ, तो ये भी आपको समझना होगा। तो क्या होता है यहाँ पर, इसको पढ़ना तो पढ़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो इसकी पॉलिसी क्या है यहाँ पर, कौन सी यहाँ पर, तो इसके बारे में आप समझ सकती हो। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि ऐसे कोई हाई अलर्ट यहाँ पर, हाई वायोलेशन वाला कोई भी कंटेंट आप ऐड नहीं कर सकते हो यहाँ पर, कोई भी ऐसा कंटेंट या कोई भी ऐसा वीडियो जो ज़्यादातर प्रॉब्लम में आए, जैसे कि किसी की यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो यहाँ पर, तो सेक्सुअल वायलेंस कंटेंट आप ऐड नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉब्लम वो भी होती है कि किसी भी सिस्टम को आपको कॉपी नहीं करना है, या तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, तो आपको रिमूव कर सकते हो यहाँ पर, ब्लॉक एंड म्यूट अकाउंट को, तो रिमूव करना तो रिमूव भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ट्रेंड्स क्या होता है यहाँ पर, कि ट्रेंड्स का मतलब होता है कि पर्सनलाइज ट्रेंड्स जो होते हैं, ये लोकेशन के ऊपर काम करता है यहाँ पर, तो कौन फॉलो करता है आपके लोकेशन के ऊपर, जैसे कि मान लो कि चैन लोकेशन वर्ल्ड वाइड लिखा है यहाँ पर, तो लोकेशन आप अपने तरीके से इंडिया का है तो इंडिया का आप एंटर कर सकते हो यहाँ पर, तो मैं इंडिया ही एंटर कर लेता हूँ कि मेरे लोकेशन को कौन ज़्यादातर अच्छा लगता है यहाँ पर उन लोगों को, तो ये इंडिया यहाँ पर ट्रेंड्स के लिए यहाँ पर होता है। ओके, तो ये यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकते हो यहाँ पर। मैंने आपको ब्लॉक अकाउंट के बारे में बता दिया, पर्सनलाइज के लिए बता दिया यहाँ पर, तो ब्लॉक अकाउंट कर सकते हो आप यहाँ पर, तो पर्सनलाइजेशन एंड डेटा के बारे में बता देता हूँ। पर्सनलाइजेशन एंड डेटा का मतलब होता है कि जो आप डेटा जो यूज़ करते हो, जो आप अपने पेज के ऊपर सेटिंग्स करते हो, या तो डिसेबल करते हो या इनेबल करते हो, जो भी सेटिंग्स करते हो, तो ये पर्सनल चीज़ों के लिए पर्सनलाइजेशन जैसा होगा यहाँ पर, ट्विटर के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो आपके अकाउंट के अंदर, तो ट्विटर इतना ही आपको सेटिंग्स मिल देगा आपको, जिससे आपकी सेफ्टी रहे, आपका ट्विटर पर कंट्रोल रहे, लोग जो आपके ऊपर ट्विटर पर ट्वीट करते हैं उनका भी आपके ऊपर कंट्रोल रहे। तो आप चाहते हो कि मेरे ट्विट पर इस तरह से कुछ खराब पोस्ट ना आए, मैं जब अकाउंट एंटर करने जाओ तो ये प्रॉब्लम ना हो, अगर प्रॉब्लम होती भी है लॉगिन करने की तो उसका कोई सॉल्यूशन हो, तो ये पर्सनलाइजेशन एंड डेटा के बारे में होता है। तो डेटा की बात मैं करूँ तो डेटा वो होते हैं कि हम जब कोई भी यहाँ पर चीज़ देखते हैं, तो वो डेटा जो है वो कोई वायलेंस ना हो, मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर डेटा होता है। यहाँ पर पर्सनलाइजेशन की एड्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो एड्स क्या होती है, जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं यहाँ पर, कोई भी चीज़ हम देखते हैं, एड से हमें क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं यहाँ पर, तो ये जो ट्विटर एड्स की यहाँ पर एक तरह की एक्टिविटी बता रहे हैं यहाँ पर, अगर फ्यूचर में होगा तो यहाँ पर ये भी इस ट्विटर एड्स की तरह यहाँ पर काम करेगा, तो ट्विटर की एक्टिविटी जो होती है, और साथ ही साथ वो दूसरे और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो होती है यहाँ पर, जो आपके पार्टनर की तरफ से आया यहाँ पर, जो आपके फॉलोवर्स में से कोई आपका पार्टनर है, तो उस पर्सनलाइजेशन ऐड के अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, तो ऐड ऑन में कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो इससे अच्छा रहता है यहाँ पर, कंबाइनिंग ट्विटर एक्टिविटी होती है यहाँ पर, तो कंबाइनिंग ट्विटर एक्टिविटी मतलब होता है कि जो कोई आपके ट्विटर अकाउंट के साथ कोई कनेक्ट है तो वो कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो आप एंटर भी कर सकते हो यहाँ पर, बंद भी कर सकते हो, मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर। पर्सनलाइजेशन बेस्ड ऑन योर इंफरनेट आइडेंटिटी,
तो यहाँ पर आईडी होती है जो आपकी हमेशा आपको ऑन करके रखना है, बताता रहना है आपको, लोगों को प्रोवाइड करते रहना है इन्फॉर्मेशन को। तो जब डिवाइस जो होती है जो हम यूज़ करते हैं, सेटिंग्स को इनेबल करते हैं या फिर डिसेबल करते हैं, तो इसकी इफेक्ट किसी ना किसी चीज़ पर पड़ती ही है, क्योंकि ये सेटिंग किसी ना किसी चीज़ के लिए बनी होती है यहाँ पर। तो बेसिकली जो हम ट्विटर यूज़ करते हैं, ये पर्सनलाइज सेटिंग्स जो होती है बहुत ही यहाँ पर आइडेंटिटी तरह की काम करता है। जैसे कि ईमेल एड्रेस है, तो एक आइडेंटिटी है यहाँ पर, जब हम लॉगिन करते हैं ट्विटर अकाउंट के साथ या तो फिर ईमेल एड्रेस को, तो फ़ोन नंबर के साथ। तो सिमिलर यहाँ पर जो लिंक होती है यहाँ पर ट्विटर अकाउंट, वो बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जब हम मैसेज करते हैं या तो फिर हमारे ऊपर मैसेज आते हैं, तो हमारे ईमेल आईडी के अंदर एंटर होते जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सिचुएशन के अंदर आपकी मेल एंटर होती जाती है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हटाना है तो हटा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो हटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ईमेल आईडी से निकाल देना होगा, लेकिन आप चाहते हो कि मैसेज के अंदर आपको बंद रखना है इसे, तो आपको यहाँ पर आईडी जो होती है यहाँ पर, तो इनको हटा देना होगा। तो मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। तो ये यहाँ पर पर्सनलाइजेशन डिसेबल ऑल सेटिंग्स, ये जो पेज जो होता है यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा। तो ऑन रखे या फिर नहीं रखना तो डिसेबल करना तो डिसेबल कर सकती है यहाँ पर, तो डिपेंड है आपके ऊपर। डेटा की बात होता है तो ट्रैक, तो अभी तो प्लेस की बात होती है यहाँ पर, तो पर्सनल बेस ऑन द प्लेस यू वी ट्विटर, हमेशा जो ट्विटर जो होता है हमेशा यूज़ करता है आपका इस कुछ इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि लाइक करते हो यहाँ पर, साइनअप करते हो, करंट लोकेशन जो होती है, हेल्प करती है यहाँ पर, हेल्प शो होती है यहाँ पर, रिलेवेशन कंटेंट होते हैं यहाँ पर, जितने भी कंटेंट होते हैं यहाँ पर, ये जितने भी आप इनेबल करते हो यहाँ पर, तो पर्सनलाइजेशन एक्सपीरियंस जो होती है यहाँ पर, ये बहुत ही प्रॉब्लम ना हो इसलिए होती है यहाँ पर। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि ये फर्स्ट सेकंड ये आप ऑन रखो, और ट्रैक करने को बोल रहा है यहाँ पर डेटा को, जब आप पर्सनलाइजेशन की तरह यहाँ पर ट्विटर अकाउंट कंटेंट जो होते हैं, तो अक्रॉस वेब जो होता है, वेबसाइट जो होती है, वो डेटा क्या करता है पर्सनलाइजेशन एक्सपीरियंस की, आपके एक्सपीरियंस बताने को कह रहा है यहाँ पर। तो आपको स्टोर करना चाहते हो आपका नेम, आपका हिस्ट्री, तो आपके फ़ोन नंबर के साथ, तो आप कर सकते हो यहाँ पर। और आपको डेटा को शेयर करने को कह रहा है बिजनेस पार्टनर्स वगैरह, तो भी आप यहाँ पर अलाउ कर सकते हो, लेकिन अभी तो मेरे कोई भी यहाँ पर डेटा को शेयर नहीं करना है, मुझे किसी को पार्टनरशिप में एंटर नहीं करना है। सी योर ट्विटर डेटा, जितने भी मैंने ट्विटर के अकाउंट के साथ मैंने डेटा एंटर किए यहाँ पर अकाउंट के अंदर, जैसे तो यहाँ पर अकाउंट वगैरह यहाँ पर, तो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये जनरल हमारे अकाउंट के बारे में बात हो गई, नोटिफिकेशन के बारे में बात हो गई। ईमेल नोटिफिकेशन मैंने आपको कहा था कि ईमेल नोटिफिकेशन वही होती है जब आपकी ईमेल के ऊपर मैसेज आता जाएगा कि इसने इतने फॉलो किए हैं, इसने आपको मैसेज भेजा है, यहाँ पर भेजेगा। तो यहाँ पर तीन तरह के मैसेज, कोई भी एक यहाँ पर मान लो कि मैंने यहाँ पर किसी को मैसेज किया, तो इसके तीन तरह के सेटिंग्स होते हैं। पहला होता है ईमेल, दूसरा होता है ट्विटर के ऊपर आएगा, और तीसरा होता है एसएमएस के ऊपर। तो फेसबुक में भी है, लेकिन फेसबुक के अंदर चार तरह के यहाँ पर आते हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो है मैसेंजर है, जो मैसेंजर ऐप होती है वो। दूसरा यहाँ पर फेसबुक के अंदर नोटिफिकेशन होता है, और तीसरा एसएमएस के थ्रू। चौथा जो होता है यहाँ पर वो ईमेल के थ्रू। और ज़्यादातर ये पुराने वाले कौन कौन से हैं यहाँ पर फेसबुक के अंदर, तो पहला ईमेल का था, फेसबुक का था, उसके बाद ये दो एंटर हुए। उसी तरह से ट्विटर के अंदर भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक मैसेज भेजेगा, तो उसके तीन पार्ट होकर यहाँ पर तीन जगह पर आपको नोटिफिकेशन, मतलब आपको उसको इन्फॉर्मेशन देगा कि इसने आपको मैसेज भेजा है, ये मैसेज भेजा है। तो ये ईमेल नोटिफिकेशन में आपको ना भेजे, मतलब आपके ईमेल को बंद कर देना है ज़्यादातर, तो आप बंद कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सारा का सारा यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। ओके, लेकिन मैं आप चाहते हो कि मुझे मैसेज मिले, लेकिन मेरी तरफ से मैं जो कंट्रोल करता हूँ वही मैसेज मिले मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, तो आप जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन मिलेगा, कोई आपको न्यू नोटिफिकेशन, मतलब नो डायरेक्टली आपको कोई मैसेज करता है उसका भी नोटिफिकेशन मिलेगा, जो जो आपने क्लिक किया है वो, और यहाँ पर ईमेल जो आपने ट्वीट किया है आपने, तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर ट्वीट जो होती है और स्टोरीज जो होती है उसकी आपको मिलनी चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन, तो आप वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। और आपको अपडेट बताएगा जो आपकी ट्विटर परफॉर्मेंस अकाउंट जो होते हैं, तो मैं अपडेट्स चाहूँगा
ओके okay. और ये ट्विटर अकाउंट की तरफ से, यहाँ पर ट्विटर कंपनी की तरफ से बता रहे हैं यहाँ पर, तो न्यूज़ अबाउट ट्विटर प्रोडक्ट के बारे में और नए फीचर के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये नया फीचर बताए या ना बताए, आपकी ईमेल आईडी के ऊपर नोटिफिकेशन भेजे कि ना भेजे, इसके लिए टिप्स के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। ट्विटर अकाउंट के जो ट्विटर की कंपनी है वो आपको ऊपर टिप्स भेजेगा आपकी ईमेल आईडी के ऊपर। किसी ने मिस सीन्स किए यहाँ पर, लास्ट जब लॉगिन किया था तो कुछ सीन्स जो थे वो आपने मिस किए, तो उसकी भी यहाँ पर नोटिफिकेशन बताएगा यहाँ पर। फिर न्यूज़ अबाउट यहाँ पर पार्टनर प्रोडक्ट के लिए भी यहाँ पर नोटिफिकेशन बताएगा आपको। यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो होती है, पार्टिसिपेट करती है यहाँ पर, रिसर्च करते हुए सर्वे करते हैं जो ट्विटर अकाउंट के साथ साथ ट्विटर की कंपनी, तो वो रिसर्च की यहाँ पर आपको सर्वे की नोटिफिकेशन मिले, आपको मैसेज मिले कि ना मिले, तो वो भी यहाँ पर बताए। यहाँ पर सजेशन बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से आपके अकाउंट जो होता है यहाँ पर जो कंट्रोल करना है यहाँ पर, तो उसकी मैसेज में आपको मिले ईमेल के अंदर कि ना मिले, वो भी यहाँ पर। साथ ही साथ वो दूसरा भी सजेस्ट कर रहा है आपको कि जो कुछ रिसेंट जो अभी आपको रिसेंट फॉलो करते हैं तो उसके भी आपको नोटिफिकेशन मिले कि ना मिले, ये भी यहाँ पर एंटर। तो आपको लगता है कि मुझे मिलना चाहिए तब इसको टिक मार्क करो, अगर आपको चाहते हो निकालना तो निकाल सकते हो यहाँ पर इस तरह से, लेकिन मैं रहने दूंगा क्योंकि इन सभी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है अभी। टिप्स ऑन ट्विटर बिजनेस प्रोडक्ट, अगर आपका अकाउंट ट्विटर अकाउंट के साथ, ट्विटर अकाउंट जो है वो आपका अकाउंट ऐड है कोई कंपनी का या तो फिर कोई शॉप का या तो फिर कोई भी आप बिजनेस करते हो, तो उस बिजनेस के अंदर जो ट्विटर अकाउंट जो होता है यहाँ पर, ट्विटर वेबसाइट कंपनी होती है उसकी प्रोडक्ट की भी यहाँ पर टिप्स देता है यहाँ पर, तो कौन सा आपको एंटर करना है, आपको ईमेल आईडी ओपन करना होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे ट्विटर अकाउंट का कोई भी मैसेज मेरे अंदर ना आए तो बंद कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ऐसा मत कीजिए। आपको लगता है कि आपको बहुत ही मैसेज आते हैं तो न्यू नोटिफिकेशन करें, ये तीन एंटर कर ले, बाकी सब आप ऑफ कर दे आपको लगता है तो। लेकिन बेसिकली मैंने जो सेटिंग्स रखा है जनरल सेटिंग्स रखा है यहाँ पर आपके लिए, ओके कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं आपके ऊपर डिपेंड है। तो फ्रेंड्स ये ईमेल नोटिफिकेशन एसएमएस की तरह ही काम करता है यहाँ पर, लेकिन ये सिर्फ ईमेल के लिए होता है यहाँ पर। हमारे ईमेल के अंदर अलग अलग मैसेजेस भेजता है यहाँ पर, कोई हमें ईमेल करता है या तो फिर कोई हमें ट्वीट करता है, कोई हमें पोस्ट करता है शेयर करता है, कोई पब्लिक के अंदर शेयर करता है पोस्ट करता है, तो ये सीधा हमारे ईमेल के अंदर नोटिफाई करेगा। तो अगर आपको ईमेल के अंदर रखना है तो आप रख सकते हो, लेकिन अभी तो ये वीडियो जो है मैं लंबी हो चुकी है यहाँ पर, और भी ये सेटिंग्स जो बाकी रह गई है अभी वो भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कि और भी जितनी भी हमें सेटिंग्स रह गई वो किस तरह हमें देखनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स ये मेरे सोशल कॉर्नर एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, फिर हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको चला तो नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।